ओके बच्चे, देखो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो हमने पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्या हमारा पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ें क्या होती हैं, है ना। एग्जैक्टली हमने उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑफ आप जा करके पहले उस चीज़ को देखो, ठीक है, तब जा करके आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आएंगी। ओके देखो, अगर हम बात करें अपने इस एप्लीकेशन की, हमने कहा सर हमने हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ लिया, अब हम उसको यूज़ कैसे करते थे, है ना। तो हमने एक सिंपल सा हमने एक आपको यूज़ करना बताया था कि किस तरीके से आप अपने पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हो, है ना। आपके पास जो एंड ए होती है, हमेशा हम उस एंड से एक वायर निकालते हैं। उस वायर से मान लो अगर उस वायर में आप अगर एक आपको सेल ऐड करना हो, अगर मान लो दो सेल होगी तो हम उसमें दो सेल को ऐड करेंगे, तीन सेल होगी, समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने अपने हम सेल का कंपेरिजन करते हैं इस तरीके से, है ना। हमने वो वहाँ पर मेजर करना सीखा था ना। यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखो सिंपली, जैसे आपने वहां पे एक किसी एक पर्टिकुलर सेल का आपने ईएमएफ निकाला। अब मान लो आपके पास अगर दो सेल दे दिया जाए, अब बोला जाए कि चलो कंपैरिजन करो कि इस दो सेल में किसकी ईएमएफ ज्यादा है किसकी कम है, तो हम अब ये हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ये अपने पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कर सकते हैं। इसमें एक चीज और हम निकाल सकते हैं क्या, इसमें हम एक चीज और निकालते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब समझ रहे हो। अभी 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 देखो, अभी हमने क्या किया था, इसके पहले हमने अपने पोटेंशियोमीटर में हमने एक सेल ऐड किया था ना, तो उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। जैसे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे किए थे, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आता था वो किसके थ्रू आता था, वो इसी हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू ही वो आपका दिया हुआ रहता था ना। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आप भूल गए क्या, जिसको हम कहते थे स्मॉल आर। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो। तो हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनके बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल की, हम बात कर लेते हैं। ओके तो नाउ आप हेडिंग लगा लो बच्चे, क्या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। देखो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देखो समझते हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास दो सेल है, ध्यान रखना आपके पास क्या है, दो सेल है। तो सबसे पहले तो आप अपना पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हो, आपने कहा सर ये हमारे पास एक, देखो ये मेरे पास होती थी एंड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी ए है, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक दूसरी वायर, फिर यहाँ से ये हमारा एक मेटल स्ट्रिप होता था, ये क्या हमारी एक मेटल स्ट्रिप है कॉपर की, और यहाँ से एक तीसरी वायर, फिर यहाँ से एक चौथी वायर। तो इस तरीके से हम क्या बनाते थे, इस तरीके से हम अपना पोटेंशियोमीटर बनाते थे। यहाँ पे हमारा एंड क्या है, बी है। नाउ सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करते थे। देखो कैसे करते थे, अब हम क्या करते थे, हम इससे अपना कोई एक जो सेल है वो अटैच करते थे, याद है, बैटरी बैटरी सॉरी बैटरी अटैच करते थे। तो ये आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी है, फिर यहाँ पर हमारा कोई एक प्लग की होता था, ठीक है, और इसके बाद हमारे एक रियोस्टेट लगे हुए होते थे, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ये वायर जाती थी और रियोस्टेट से हमारी जो बी वायर है, है ना, ये इससे कनेक्टेड होती थी, ये। अब देखो अब क्या करना है, देखो मैंने फिर आपको क्या बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे अब दो सेल कनेक्ट करने, तो आप बताओ आप ये दो सेल कहाँ कनेक्ट करोगे। तो आपने कहा था सर मान लो अगर मेरे पास अगर ऐसा होता था, तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसे एक वायर होती थी और इस वायर से एक हमारा गैल्वेनोमीटर अटैच होता था, और ये गैल्वेनोमीटर से हमारी एक जॉकी जो है वो अटैच होती थी, जो कि हम हर जगह इस वायर में क्या करते थे, यहाँ 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 जहाँ कहाँ कहीं भी अगर मैं रिक्वायरमेंट होती तो हम उस जगह पर टच कर सकते थे इस जॉकी के थ्रू। बट कह रहा है कि आपके पास अब दो सेल का कंपेरिजन करना है ना। देखो जितने भी आपके पास सेल होंगे वो आप सारे के सारे सेल कहाँ लगाओगे, इस पॉइंट ए वाले से लगाओगे। तो देखो आपने कहा कि सर ये जॉकी तो ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना, आप ऐसे मत बनाना, आप आपको देखो आप ये कहोगे बच्चे कि यहाँ से हम दो सेल की हम वायर निकालेंगे, मतलब एक सेल हमने इससे कनेक्ट किया, दैट इज थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ये एक सेल, और मैंने आपको बताया है कि सेल का पॉजिटिव एंड हमेशा ए से कनेक्ट होना चाहिए, सेल का पॉजिटिव एंड हमेशा ए से कनेक्ट होना चाहिए। ये एक आपने सेल कनेक्ट किया, ये आपने एक दूसरा भी सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस सेल का भी पॉजिटिव एंड आपने ए से कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों ही सेल को हमने एक की से हमने ऐड कर दिया है। ऐसा की से ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें एक बार में एक ही की को क्या करना होगा, ओपन करना होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। उसके बाद यहाँ से फिर हमारी क्या होगी, एक जॉकी
जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी हमारी क्या होगी, कनेक्टेड होगी, जो कि बारी बारी से मे भी एक बार यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिला होगा, मैंने आपको बताया था नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, और एक बार यहाँ पर जो है वो नल पॉइंट मिला होगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? मान लो कि एक बार यहाँ पर नल पॉइंट मिला J1 और एक बार यहाँ पर नल पॉइंट मिला J2। समझ रहे हो ना? ये दो नल पॉइंट मिले होंगे ना, दो नल पॉइंट क्यों, एक बार ये पहले वाले सेल का और एक बार ये दूसरे वाले सेल का। अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि पहले सेल की EMF E1 है और दूसरे सेल की EMF E2 है, तो मान लो कि पहले जब हमारा ये वाला जब की जब क्लोज होगा ना, ना हमने अभी इस वाले को ओपन करके रखा है, जब ये वाला की हमारा जब क्लोज होगा, तो इस वाले की को क्लोज करने की वजह से आप क्या करोगे, आप अपना नल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। इस वायर के अलॉन्ग कहीं भी आपका एक नल पॉइंट मिलेगा, तो मान लो कि हमने हमें ये जो नल पॉइंट मिला है वो कहाँ मिला है, एट पॉइंट J1 पर मिला है। ये मैंने आपको बताया ना पिछले वाले वीडियो में, नल पॉइंट हम खोजते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा फिर एक बार हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले सेल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इस वाले सेल को ओपन करेंगे, और हमें इस वाले सेल के थ्रू क्या मिलेगा, हमें एक दूसरा नल पॉइंट मिलेगा जो कि कहीं मान लो यहाँ पर होगा। समझ लो ये चीज़ है ना। अब मान लो कि यहाँ से इस ए से इस J1 की लेंथ जो मान लो L1 है, और इस ए से J2 की जो लेंथ है वो कितनी है, L2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लिया जाए। देखो बहुत आसान है, डेरिवेशन आता है, मतलब ये चीज़ हमेशा आपसे पूछी जाती है। देखो आपने कहा कि सर ये सारी हमारे सर्किट्स हैं, ये हमने ये कैसे बनाते थे, हमने पिछले वाले टॉपिक्स में हमने ये सीख लिया था ना। अब हमारे पास यहाँ पर दो सेल हैं, तो आपने कहा सर कि हमारे पास दो सेल है, लेट टू सेल हुज EMF आर E1 एंड E2, जिसकी EMF कितनी है, E1 एंड E2 है। अच्छा अब देखो, अब ये जो सेल हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, मतलब ये इनके जो पॉजिटिव एंड हैं, इन दोनों के जो पॉजिटिव एंड हैं वो किससे कनेक्टेड है, पॉइंट हमारे ए से कनेक्टेड है, जो वायर का जो एंड ए है उससे कनेक्टेड है, और जो निगेटिव पोल है वो देखो किससे कनेक्टेड है, वो जॉकी से कनेक्ट है, मतलब इसके जो निगेटिव सेल है वो एक की से होता हुआ है फिर एक जॉकी से कनेक्टेड है ना। तो आपने कहा सर क्या कि जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड ऑफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड टू एंड ए, है ना, ये जो हमारी एंड ए है वायर की उससे कनेक्टेड है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखना, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एंड ए एंड माइनस ये जो हमारा जो पोल है ना, माइनस वी का जो ये जो टर्मिनल है, मतलब ये वाला सेल का, ठीक है, वो कैसे कनेक्टेड है, निगेटिव पोल जो है किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू जॉकी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं J थ्रू और टू वे की, मतलब यहां पे हमने दो वे की लगाया है, ठीक है। एक बार में हमारा क्या होगा, एक की जो है क्लोज होगा और एक की हमारा ओपन रहेगा, दूसरी बार में इस तरीके से, है ना। अब ये J1 J2 मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक नल पॉइंट है। हमेशा हम यही कोशिश करते हैं अपने इस पोटेंशियोमीटर वायर में, हम एक नल पॉइंट खोजने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा कि सर लेट कर लेते हैं कि हम अगर बात करें फर्स्ट सेल को, अगर हम मान लो इंक्लूड करते हैं, है ना, फर्स्ट सेल E1 अगर हम क्या किया करते हैं उसको अपने सर्किट में अगर इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करने का मतलब कि हम इसकी अभी इस वाले की को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इंक्लूडेड इन सर्किट एंड द नल पॉइंट, हमें ये पता चला भाई देखो हमने ये नल पॉइंट निकालना सीखा है, एंड द नल पॉइंट नल पॉइंट क्या लिख दिया जाए, नल पॉइंट डिटरमाइन या फाइंड, नल पॉइंट अकर या ऐसे कह लो, जो भी कह लो आप, नल पॉइंट अकर एट J1, ठीक है। मान लो आपने J1 पर अपने फर्स्ट टाइम क्या किया, नल पॉइंट अगर किया फर्स्ट वाले सेल का, अच्छा इतनी बात हुई। और मान लिया जाए कि इस नल पॉइंट की जो लेंथ है ना, कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नल पॉइंट फ्रॉम किससे, हमेशा कहां से लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि स्केल में हमारा यहां से ऐसे 0 1 2 ऐसे होता है, फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, मान लो L1 ले लेते हैं, तो आपको पता है क्या EMF ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL1। बोलो ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मिलेगा आपको यहाँ से। सिमिलरली सेकेंड वाले की भी हम ऐसे ही बात कर लेंगे, बोलो ये बात आपको समझ में आई। सिमिलरली फॉर
सेकेंड सेल। देखो ये चीजें याद नहीं करनी है, ये चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है ना, अगर समझ लोगे तो आप खुद से बना करके लिख दोगे। तो सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल द नल पॉइंट, नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू एल टू, मान लो एल टू डिस्टेंस पर है, जो नल पॉइंट है वो एल टू डिस्टेंस पर है, तो इस केस में क्या कहोगे सर, ई टू इज इक्वल टू के एल टू, बोलो ये बात आप कहोगे कि नहीं कहोगे, फर्स्ट वाले आपने जो इसके पहले वाला जो आपने वीडियो देखा है। अच्छा तो अगर हम इनका रेशियो ले लें है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू के एल वन अपॉन, देखो वायर की जो हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट है याद रखना बच्चे, हमेशा सेम होगी, हर जगह सेम होगी, मैंने आपको ये पहले वीडियो में बताया है। तो के वन से सॉरी के से के कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, और यही आपका क्या है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा। अगर आपको मान लो यहाँ से अगर कोई भी अगर एक सेल अगर स्टैंडर्ड सेल है, तो आप दूसरे वाले सेल की वैल्यू निकाल सकते हो या बता सकते हो ना कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर आप इनको अगर एक मतलब ई वन को इधर भेज दो, समझ सकते हो ना, इस तरीके से आप बता सकते हो कि किसकी जो ई एम एफ होगी वो ज़्यादा होगी, किसकी ई एम एफ कम होगी, कंपेरिजन आप कर सकते हो है ना। या फिर मान लो अगर किसी एक सेल की अगर वैल्यू दे दी, दूसरे सेल की वैल्यू पूछ दिया, हम वो भी बता सकते हैं है ना, हमें लेंथ पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है, मतलब एज एक फॉर्मूला, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, सिंपल सा है। चलो तो हमने ये फर्स्ट वाला देख लिया ना, हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का हम देखो फॉर्मूला आप कैसे लाने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ये जो आपका हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, हम किसी भी प्राइमरी सेल की हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। देखो इसको हम हटाते हैं, देखो बच्चे ना हम दूसरे अपने एप्लीकेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि हमें बार बार क्या करना होता है कि हमें अपने देखो नल पॉइंट, देखो ऐसा आपको ऐसा लगता है ना कि नल पॉइंट बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है, ऐसा नहीं है, जब प्रैक्टिकल करोगे ना परेशान हो जाओगे, रोने लगोगे, ठीक है, तो आसानी से सेट नहीं हो पाता, हमें बार बार क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस को निकालना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है, फिर बहुत हायर रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे रेजिस्टेंस फिर लगाने पड़ते हैं उस नल पॉइंट को सेट करने के लिए। देखो अब ये हायर रेजिस्टेंस निकालने और लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो हमारे पास जो जॉकी है, बताते हैं अभी क्या है मेरे पास, हमारे देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नहीं पर्टिकुलर इस सिस्टम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, मेरी बात समझ लो, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझ भी लेना है, याद भी रख लेना है। इस रजिस्ट हमारे पास क्या होता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में, इस पोटेंशियोमीटर वाले सिस्टम में एक रजिस्टेंस बॉक्स होता है, रजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है बहुत सारे रजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, 0 फिर 1 2 3 ऐसे, 2000 1000 ऐसे ऐसे ओम के जो है वो रजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। तो रजिस्टेंस लगाने और निकालने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो हमारी जो गैल्वेनोमीटर होती है आपको याद है ना कि जो गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट होती थी हमारे जॉकी से, तो वो काफी लो करंट जो है वो मतलब क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकता है, अगर उसमें अचानक से अगर हाई करंट अगर जाता है तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो मे बी फ्यूज हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए ठीक है हम सबसे पहले हायर रेजिस्टेंस पुट करते हैं ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो करंट है वो ना जा रही हो, समझते हैं देखो इस चीज़ को है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़, यानी कि वो जो हम जो रेजिस्टेंस जो निकालेंगे या जो लगाएंगे वो रेजिस्टेंस हमें पता होगी, हमें उसकी वैल्यू पता होगी। देखो जब आप इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि अच्छा उसका क्या मतलब था कि वहाँ पर हमने कितने ओम के हमने रेजिस्टेंस निकाले थे, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। बट फिलहाल देखो पहले हम थ्योरी के रिगार्डिंग समझते हैं इसको। तो आपने कहा सर हमें डिटरमाइन करना है क्या अपने किसी भी सेल का, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज हमें आर निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कि हमें आर निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना एक सेटअप बना लेते हैं, कैसा होता है हमारा सेटअप, ये कुछ इस तरीके से होता है। आपने कहा सर मेरे पास ये एक वायर होती है, यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट ए होता है ना, ये पॉइंट आपका ए है, फिर इस वायर को हम किसी थिक कॉपर वायर से क्या करते हैं अटैच करते हैं है ना, इसको इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर ये अटैच होता है, फिर ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये आपका चलता है इस तरीके से है ना। अच्छा फिर आपने कहा सर हम इस ए वाले टर्मिनल से हम क्या करते हैं, हम एक बैटरी ऐड करते हैं ना बैटरी ऐड करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक की पॉइंट होता है ताकि हम अपने सर्किट को क्लोज कर सके, फिर एक मेरे पास यहाँ पर एक रिहोस्टेट होता है, ठीक है, ताकि हम अपने करेंट को क्या कर सके,
मतलब वेरी करा सके, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक अमाउंट में फिक्स रख सके, है ना। रियल स्टेट का ये काम होता है RH। अच्छा, ये हमारी वही बैटरी है B1 जिसको आपने कहा है, और ये आपका K है, K1 मान लेते हैं इसे। ओके नाउ, अब देखो, अब यहां पर आपके पास एक सेल है, और उस सेल को मैंने आपको बताया बार बार कि उस सेल को आपको किससे कनेक्ट करना होता है, इस वाले वायर ए की एंड ए से आप कनेक्ट करते हो। और कैसे, तो इसके हम पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करते हैं ए से, है ना, और निगेटिव एंड को हम किसी अपने गैल्वेनोमीटर या हम उसको अपने जॉकी से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, कि यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होती है, समझ गए, ये होती है क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स। आप अगर कभी लैब गए होगे तो देखे होगे, इसमें बहुत सारे टाइप की जो है वो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में भी हम क्या करते हैं, हमें की लगाते हैं, है ना, कि अचानक से हमारा जो करंट है वो फ्लो ना हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमारा देखो जो जो ये जो गैल्वेनोमीटर जो आप यहाँ पर ये जो अटैच किए हो ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, तो ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिफ्यूज हो सकता है, अगर हायर अमाउंट ऑफ अगर करंट जाएगा तो ये डिफ्यूज हो सकता है। फिर फर्दर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अपने बार बार जॉकी की हेल्प से क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, फिर एक बार मान लो कहीं यहाँ टच करेंगे तो एक बार यहाँ टच करेंगे। देखो अभी ये हम दो बार क्यों टच करते हैं बताते हैं। तो आपने कहा ये मान लो पॉइंट J1 है और ये नल पॉइंट J2 है। सिंपल सी फिर से वही कहानी, क्या कि मेरे पास एक वही है पोटेंशियोमीटर का एक ये सर्किट है। अब मेरे पास ये कोई एक एक्सटर्नल सेल था, और इस सेल को हमने मान लिया ई, ठीक है, इस सेल को हमने मान लिया ई। सेम वही चीज़ है कि इस सेल का जो पॉजिटिव, सेम आप देखो वही बात पिछली वाली कहानी लिखोगे, कि इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वायर एंड के ए के मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को वायर एंड के, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उस वायर के फर्स्ट एंड को, है ना, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल मतलब जो एंड ए है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। देन इस एंड से एक और आपकी एक जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। अब इस देखो अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। देखो पहले आपने क्या किया, मान लो कि ओके रेजिस्टेंस बॉक्स सेल है, ठीक है, ओके ओके। देखो ये आपका K1 है, ये मान लो कि आपकी ये K2 है। देखो सबसे पहले क्या करो कि अभी आप इस K2 को ओपन रखो, है ना, आपने कहा सर वाइल K2 इज ओपन। तो अगर हम देखो ये सारी चीजें पहले लिखोगे जो आपने पिछले वाले में लिखा है ना, उसी चीज को फिर आप यहां से भी लिखोगे, ठीक है, वाइल K2 इज ओपन। तो अगर K2 देखो अगर ओपन है तो क्या होगी, हम अपने इस जॉकी के हेल्प से क्या करेंगे, हम अपना एक नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे कि हमारे इस वायर में कहाँ एक नल पॉइंट मिला। तो मान लो कि एट पॉइंट J1 पर आपको एक नल पॉइंट मिला, ठीक है। अच्छा तो वही सारी चीजें हैं, आप ये बताओगे वाइल K2 इज ओपन, तो आपने कहा कि क्या होगा कि एक कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अच्छा अब वही हम काम करेंगे क्या, कि हम जॉकी को क्या करेंगे, मूव करेंगे अलोंग ए बी, ठीक है, जहां पर उसका ईएमएफ क्या हो जाता है, बैलेंस, यानी कि जहां पर हमें नल पॉइंट ना मिल जाता हो। तो इस चीज को लिख लिया जाए, देखो क्या कहोगे, नाउ मूव द जॉकी, नाउ मूव द जॉकी किसके अलोंग, अलोंग ए बी, ठीक है, अलोंग ए बी टिल कब तक, जब तक कि टिल इट बैलेंस, समझ रहे हो, टिल इट बैलेंस, क्या बैलेंस कर लेता है, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब बैलेंस करने का मतलब क्या है कि आपको नल पॉइंट जब तक ना मिल जाए, ठीक है ना। तो आपने कहा सर नल पॉइंट मेरे को मिल गया एट पॉइंट J1 पर, तो लेट कर लेते हैं फिर से क्या कि द डिस्टेंस जो है, ये बातें आपको फिर से लिखनी पड़ेंगी, डिस्टेंस ऑफ दिस नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट
पॉइंट कहाँ से लेते हैं? आपको मैंने बताया पॉइंट ए इज एल सेंटीमीटर, मान लो ये एल सेंटीमीटर पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L1 मान लेते हैं, L1 सेंटीमीटर है। सो फाइनली आपको इस सेल का ईएमएफ मिलेगा क्या? के इंटू L1, बोलो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब देखो, अब क्या है कि अब हम अपने जॉकी को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें इस तरफ जो डिफ्लेक्शन मिला वो मतलब अब हमें एक इधर डिफ्लेक्शन मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने इस जॉकी को अब हम कुछ और ले जाएंगे। अब देखो, मान लो कि देखो होता क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकली हैं। क्या करते हैं कि मान लो हमने कोई भी एक हमने दूसरी लेंथ ले ली, ठीक है, तो अब हमें बात समझो, हमें अब इस दूसरी लेंथ पर हमें इस पॉइंट को अगर हमें नल पॉइंट बनाना है, मेरी बात समझो, कि अगर इस दूसरी लेंथ पर मान लो आपने कहा सर हम एक दूसरी लेंथ ले लेते हैं L2, तो हम उसको नल पॉइंट कैसे बना सकते हैं? तो उसको नल पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रजिस्टेंस बॉक्स में से वेरियस टाइप्स, जो आपके जो वेरियस रजिस्टेंस हैं वो आपको इस रजिस्टेंस बॉक्स में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम बहुत ही हायर रजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर बाद में अगर हमें और मान लो रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हम और भी रेजिस्टेंस, फिर 1 ओम का, 2 ओम का, ऐसे 4 ओम का, 5 ओम का, फिर ऐसे रेजिस्टेंस निकालेंगे। बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। मतलब देखो कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो आपने कहा कि आप किसी मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब देखो आपको यहाँ से करंट फ्लो कराना है, तो आपने कहा मान लो आप किसी कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट करो, तो पहले आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप क्या करोगे, मनी को इन्वेस्ट करोगे। तो देखो हायर रेजिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। हायर रेजिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अब जो करंट आएगी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आएगी, ठीक है, अब उस स्मॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे में भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस फिर ऐड करेंगे, या में भी छोटा सा रेजिस्टेंस फिर से हम निकालेंगे, समझ लो। तो ये कहानी होती है इस पॉइंट को बैलेंस करने की, बात समझना, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकली हैं, है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, आपने ये जो J2 जो फिक्स किया वो कैसे फिक्स किया, वो आपने विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने फिक्स किया है। तो मान लो आपने एक नोन रेजिस्टेंस निकाला R1, और उस नॉन रेजिस्टेंस की वजह से ये हमें क्या मिला कि हमें इस पॉइंट पर हमें एक दूसरा नल पॉइंट मिला जिसको हमने कह दिया J2, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को थोड़ा सा देखो हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या आपने कहा कि सर नाउ रिमूव द सूटेबल, सूटेबल कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा रेजिस्टेंस, देखो अब मैं आपसे फिर से बार बार वही चीज कह रहा हूं कि ये एक बार में ऑप्टेन नहीं हो जाता है, ठीक है, इसलिए इस प्रैक्टिकल से लोग बचते हैं, भागते हैं, है ना, वो अलग बात है कि हम लोगों को ऐसा ये करवाया जाता था, मतलब सच बता रहे हो उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता था कि सर ये क्या बोर्ड है, निकालना है, लगाना है क्या, कितनी बार निकालना है, फिर पता चलता था कि लास्ट में जो वायर वायर ही गड़बड़ है तो मतलब एक अजीब टाइप का, मतलब ठीक है, पता नहीं आप लोग करोगे भी या नहीं करोगे, बट कभी देखना इस चीज़ को करके, है ना, मजा आएगा अगर आप अगर समझे रहोगे तो। चलो देखो, तो हमने कहा सर नाउ रिमूव सूटेबल रेजिस्टेंस, ना एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ये सुटेबल रेजिस्टेंस एक बार में नहीं निकलेगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ ये एक बार में नहीं निकलेगा, अगर आपके टीचर अगर ये करवाएंगे जब कभी अगर स्कूल ओपन होता है तो फिर आप देखना, सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम RB, RB का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, फ्रॉम RB एंड K2 इज क्लोज्ड। अब हम K2 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ना, तो पता चला कि पहले K2 को आप क्लोज कर दिए हो तो आपकी जो गैल्वेनोमीटर है वो तो फुस उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा करंट बियर नहीं कर सकता गैल्वेनोमीटर। ओके, तो अब हमने के टू को क्लोज किया, तो जब के टू को क्लोज किया तो हमें फिर हमें एक दूसरा नल पॉइंट मिला ना, समझ लो, तो हमें क्या मिला, हमें एक अनदर नल पॉइंट इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड एट L2 लेंथ, ठीक है, L2 लेंथ पर हमें क्या मिला, एक दूसरा नल पॉइंट मिला। तो अब देखो, अब इस L2 लेंथ पर हमें जो नल पॉइंट मिला है वो हमें क्या मिला है, वो हमें मिला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, क्या, PD ऑफ सेल, हमें सेल की क्या मिली, पोटेंशियल डिफरेंस मिली। देखो पहले वाले पॉइंट में हमें क्या मिला था, EMF मिला था, दूसरे वाले पॉइंट में हमें क्या मिला, दूसरे वाले पॉइंट पर नल पॉइंट पर हमें सेल की पोटेंशियल डिफरेंस मिली, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपने कहा सर V इज इक्वल टू, सेम वही कहानी, KL2, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइड कर दिया जाए तो EMF अपॉन V, बस यही देखो आपको यही चीजें थोड़ी सी लानी थी, KL2, K से K कैंसिल, सो आपके पास क्या बचा, E अपॉन V इज इक्वल टू
एल वन अपॉन एल टू। अब बात समझना यहां से, ये आपने कहा ओके। अच्छा आप ईएमएफ का एक फॉर्मूला जानते हो, एज वी नो ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। बोलो पिछले के पिछले के पिछले वाले टॉपिक में से ये हमने फॉर्मूला सीखा था निकालना, ठीक है। अच्छा एंड और क्या जानते, एक और हमारे पास फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए, इसमें ये वैल्यू रख दी जाए। सो देखो रखो इसमें क्या हो जाएगा, तो दिख रहा है आपको ओके। आपने कहा सर इसकी जगह हम रख देते हैं आई इंटू आर प्लस आर अपॉन इस v की जगह क्या रख देते हैं आई आर, आई से आई कैंसिल और इधर देखो क्या बचेगा एल वन अपॉन एल टू। यहाँ से देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। ओके यहाँ से आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, कैसे देखो दिख रहा है ये चीज़ आपको। आपने कहा सर इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, ये आर से आर कैंसिल तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा वन, तो आप कहोगे क्या आर प्लस आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। समझ में आ रही इतनी बात, एल वन माइनस एल टू अपॉन वन। आप यहाँ से आर को ही छोड़ दो, स्मॉल आर को, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, सिंपल ये बस हो गया, यहीं तक जो था वो प्रॉब्लम था एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये हो सकता है, और देखो इस L1 अपॉन L2 की जगह आप क्या रख सकते हो EMF अपॉन V भी रख सकते हो, या आप अगर ये कहो सर कि R इंटू EMF अपॉन V माइनस वन, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में दे सकता है। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स में लेंथ अगर देता है तो लेंथ का आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मान लो अगर लेंथ नहीं दिया, क्या दे दिया EMF दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया सेल का, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझ रहे मेरी बात, तो यही बस आपको लाना था, ठीक है। इतना आसान सा ये जो टॉपिक है ना बस। तो देखो प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं आपको कहाँ आ रही होगी यहाँ पर, तो ये बच्चे देखो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड पर है, ठीक है। हम समझ सकते हैं आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम जान रहे हैं, है ना, कि सर यहाँ पर। तो देखो ये प्रैक्टिकल, देखो ऐसा करते हैं, ऐसा हमें भाई देखो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल एक बार आप मानोगे कि J1 पर हमें मिला नल पॉइंट, एक बार आप मानोगे J2 पर मिला, तो J1 पर सिंपल L1 और J2 पर L2 सिंपली रख दिया जाए। तो जब L1, जब हम J1 पर लेंगे तो हमें EMF मिलेगा सेल का, ठीक है। तो क्या मिलेगा ये, फिर हमने मान लो रेजिस्टेंस लगाया, तो रेजिस्टेंस लगाया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें ओवरऑल हमें ईएमएफ नहीं मिलेगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेल की पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी, दैट इज के एल टू, डिवाइड कर लिया सेम फिर से वही कहानी पिछली वाली। आगे बात समझे, तो ये है क्या हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। समझ में आया, सिंपल ये आपको फॉर्मूला ये मिल गया है ना, और आपको ये याद भी रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हम इसके देख लेते हैं जल्दी से, एक आधो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से इस टॉपिक को हम करते हैं फिनिश, और मे बी आने वाले टॉपिक में हम इसके दो तीन क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे देख लेंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे वो देख लेंगे। ओके तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। देखो जल्दी से हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखो बच्चे अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, है ना, कि यहाँ पे हमने जो सारी जो हमने जो थ्योरी जो हमने करी, अब उनकी बेसिस पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर न्यूमेरिकल को करो तो हल्का सा आपको आइडिया मिलेगा कि हम देखो क्या कहना चाहते थे। कह रहा है कि इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल, बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इज ओपन सर्किट 350 सेंटीमीटर। मतलब देखो क्या कह रहा है कि जो बैलेंस पॉइंट मिला है ना, जब हमारी सर्किट ओपन है, तो मेरी बात याद रखो, अगर सर्किट ओपन है तो उस केस में आपको ईएमएफ मिलेगा। सर्किट अगर ओपन है तो उस केस में आपको, भाई देखो कोई भी लोड नहीं है बैटरी पर, आपने कोई भी लोड दिया नहीं, तो अगर लोड नहीं है तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, उस सर्किट का मतलब उस सेल का ईएमएफ मिलेगा। तो जो बैलेंस पॉइंट मिला है पोटेंशियोमीटर वायर पर, वो कितने दूर पर मिला है, वो 350 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल गया। अच्छा फिर देखो, फिर कह रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज यूज्ड। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि आपने क्या किया, आपने अब 9 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया, मतलब निकाला, ठीक है ना, आपने एक्सटर्नल सर्किट में आपने 9 ओम का रेजिस्टेंस आपने यूज किया, तो जिसकी वजह से जो अब जो सेल की जो बैलेंस पॉइंट है, यानी कि जो जो छोटी सी जो सेल लगी थी, उस सेल की जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर गई, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया ना कि हम रेजिस्टेंस को निकाल करके और लगा करके भी अपने बैलेंस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो जब रेजिस्टेंस को निकाला गया तो अब सेल के ऊपर एक लोड पड़ा, ठीक है, या लगाया गया तो सेल के ऊपर एक लोड पड़ा। अब उस लोड की वजह से देखो क्या कह रहा है, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 300 सेंटीमीटर। तो जब जो बैलेंस पॉइंट है, अब वो कहाँ शिफ्ट कर गया, अब वो 300 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट कर गया।
अब यानी कि अब बैलेंस पॉइंट कहीं और मिलने लगा, नल पॉइंट कहीं और मिला, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे वो आपसे पूछ रहा है, आई बात समझ में। तो पहले केस में देखो क्या है, पहले केस में कह रहा है कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मतलब देखो अगर ओपन सर्किट है, मेरी बात समझो, आपने कहा सर अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट के केस में हमें जो ईएमएफ मिलेगा, आपने कहा ना कि सर हम ये फॉर्मूला जानते हैं क्या ई, देखो बेसिकली आप जानते हो ना इज इक्वल टू के इंटू एल वन। तो ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट केस में याद रखो, ओपन सर्किट केस में आपको क्या मिलेगा, आपको सेल की ईएमएफ मिलेगी, एग्जैक्ट जो सेल की ईएमएफ है वो मिलेगी, ठीक है। अच्छा फिर आपने कहा कि अब हमने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। आपने कहा सर अगर हमने सर्किट को अगर क्लोज कर दिया, ठीक है, एंड एंड जब आपने सर्किट को जब क्लोज कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सेल का, आपने रेजिस्टेंस का यूज किया ना, यानी कि लोड बढ़ा, ठीक है। तो लोड मतलब आपने लोड दिया है, तो अब उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेल का क्या है, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या मिलेगा के इंटू एल टू, क्योंकि हर जगह जो के की वैल्यू होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में से ही बताया है कि के की वैल्यू जो पैर सेम होता है हर जगह सेम होता है। अच्छा तो एक केस में आप ये कहोगे, ये कहोगे, अच्छा तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, आप जानते हो ना क्या कि आर इज इक्वल टू जो होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, आर इंटू ईएमएफ अपॉन वी माइनस वन, ठीक है। क्या आपको आर, देखो आर ये जो कह रहा है ना, जो एक्सटर्नल जो आपका जो रेजिस्टेंस जो यूज किया गया है, ठीक है, 9 ओम का, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 9। फिर देखो इस ईएमएफ की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं दी गई, तो क्या हम ये बताओ क्या ई अपॉन वी की जगह हम एल वन अपॉन एल टू भी रख सकते हैं, बोलो माइनस वन, भाई ये फॉर्मूला था ना, या तो ये था या तो ये था, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, आप आ गया तो 9 इंटू L1 की देखो वैल्यू कितनी है, फर्स्ट हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना है 350 है, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 350 अपॉन, सेकेंड बैलेंस पॉइंट कितना है 300 है, तो 300 रख लेते हैं, माइनस का 1 रख लेते, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, देखो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 7 अपॉन 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज 1 अपॉन 6, ओके तो 1/6 का मतलब क्या 0.1, ठीक है, 6 6 6 और कितना बचेगा आपके पास 4, तो कितने बार में जाएगा ये 6 6 36, ओके 1 0.16, ठीक है, चलो 1 6 1 6 1 6 मतलब 1 7 आप मान लो, ओके तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9 × 0.16 तो कितना हो जाएगा 144 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 1.44 ओम उस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, या चाहो तो आप और अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1.5 ओम भी कह सकते हो, अप्रॉक्स होगा ना 4, मतलब ये अगर आप 7 लेकर के करोगे तो लगभग आपका 1.5 जो ओम है वो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की, सॉरी उस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1.5 ओम। आ रही मेरी बात नहीं समझ में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अगर कहता है कि हमारा जो सर्किट है अगर ओपन है तो उस केस में आपको सेल का ईएमएफ निकलेगा, ध्यान रखो इस बात को, और अगर कहता है कि अगर हमारी सेल में सर्किट में अब क्या कर दिया गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है, ऐड कर दिया गया, तो अब उस केस में आपको उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो आसान था, ये आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ना हम बात करते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओके देखो ये थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियल वायर, मतलब जो ओवरऑल जो आपके वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर है, तो लेट कर लेते हैं भाई कि टोटल जो लेंथ है, लेट क्या करना तो दिया ही है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ वायर इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब क्या कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमारा स्केल तो सेंटीमीटर को मेजर करता है। फिर कह रहा है कि 1.018 स्टैंडर्ड सेल, यानी कि देखो ये इसका क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया आपके सेल का ईएमएफ दे दिया गया, कितना दे दिया गया 1.018 वोल्ट ये दे दिया गया, इज बैलेंस्ड एट द लेंथ ऑफ 850 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहाँ है, L1 मान लेते हैं 850 सेंटीमीटर है। फाइंड कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ओवरऑल वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तो आपने कहा सर आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप ये जानते हो एज वी नो ईएमएफ इज इक्वल टू
के इंटू एल, सो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ अपॉन एल। तो ई एम एफ देखो कितना है, 1.018 अपॉन एल की देखो वैल्यू कितनी है, 850 है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 × 10⁻³ क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने ये क्या निकाल लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। नाउ दूसरा देखो कह रहा है क्या, देखो ध्यान से अगर समझोगे तो आप ये दूसरा कर लोगे। कह रहा है कि द मैक्सिमम ई एम एफ दैट कैन बी मेजर्ड। देखो मेरी बात समझो, ये कह रहा है कि इस वायर से, ये जो मेरे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये जो 10 मीटर की जो वायर है, इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर वाले डिवाइस से, अगर उसमें अगर 10 मीटर की आपने अगर वायर लगाई है, तो आप उससे मैक्सिमम कितने ईएमएफ की सेल को मेजर कर सकते हो। कुछ आइडिया आया? कह रहा है कि कितना मैक्सिमम ईएमएफ आप जो है वो मेजर कर सकते हो। देखो तो सिंपल, आपको पता है कि ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू होता है के इंटू एल, आपको के पता है। तो अब देखो, अब भाई देखो मैक्सिमम लेंथ आप कितनी रख सकते हो, मेरी बात समझो, मैक्सिमम लेंथ आप कितनी रख सकते हो, 1000, क्योंकि ओवरऑल जो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताओ, आप जो मैक्सिमम लेंथ रख सकते हो वो कितनी रख सकते हो, 1000 तो रख सकते हो। तो अगर 1000 रख सकते हो तो हम यहाँ पे एल की जगह क्या रख देंगे, 1000 रखेंगे। मान लो अगर ये वायर अगर 1200 मीटर की होती है ना, 1500 मीटर की होती, तो हम मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए हम ओवरऑल हम पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं लेंथ की, समझ गए। तो मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए आपने कहा सर, ई मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के इंटू एल, और एल की देखो हमारी वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली है कितनी, 1.2 × 10⁻³ एल। एल आप कितना रखोगे, 1000 सेंटीमीटर, ध्यान में रखना सेंटीमीटर में रखोगे आप, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा लगभग 1.2 वोल्ट। तो मतलब कि आप इस अपने पोटेंशियोमीटर वाले डिवाइस से लगभग 1.2 वोल्ट ईएमएफ के सेल, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ जो अगर किसी की सेल की अगर ईएमएफ है, तो आप इतनी ईएमएफ जो है वो आप अपने इस पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये है न्यूमेरिकल्स, है ना, भले ही थोड़ी सी आपको थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको कम से कम 2 बार लगाओ थ्योरीज को, है ना, वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, और इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो है पोटेंशियोमीटर का वो देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखो नहीं देखे होगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप फॉर्मूले याद कर लिए हो तो फिर काम आपका चल जाएगा, बट ऐसे काम नहीं चलना है। चलो ना एक और हम जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में कई बार, ठीक है। देखो कह रहा है कि अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर। देखो एक वायर है, वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, वायर का जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक है, समझ रहे हो। कह रहा है कि इज यूज एज पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, हम उसको एज अ पोटेंशियोमीटर वायर की तरह यूज कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमने क्या किया, इस वायर को हमने सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, और हमने उसमें याद है ना, मतलब हम 5 वोल्ट की हमने क्या कर दी, हमने एक बैटरी लगा दी, याद है वो, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, हम तो ये हमेशा करते हैं ईएमएफ के साथ, मतलब अपने पोटेंशियोमीटर के साथ हम क्या करते हैं, हम बैटरी का एक अरेंजमेंट करते हैं ना, अलोंग विद, अब देखो यहाँ पे आप बात समझना, अलोंग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि इतना इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, निकालते हैं और लगाते हैं, ठीक है ना। इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है कि कोई एक सेल लगी हुई है और उस सेल की जो ईएमएफ है वो पता नहीं क्या है, लेकिन ई दे दिया है। कह रहा है कि वो जो बैलेंस, अच्छा वो जो सेल है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि ओवरऑल आपके जो ऑक्सिलरी जो सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 600 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल हैं। बैलेंस होने का मैंने आपको ये तो मतलब बताया ना फर्स्ट वाले वीडियो में। ऑफ दिस वायर कैलकुलेट, क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है क्या, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज आपको के निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको के निकालना है। देखो तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट के की, अगर हम देखो बात करते हैं तो के, तो आपका बेसिकली के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या कहते हो, तो सर के इज इक्वल टू कहते हो वी अपॉन एल कहते हो। अच्छा तो हमें वी भी तो नहीं पता ना कि आखिर हम इसकी जो वी है वो क्या रखें, वी नहीं पता हमें। देखो हमें जो एल है वो पता है, ठीक है, एल हमारी जो पोटेंशियो जो हमारी जो वायर है टोटल जो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो हमें एल तो पता है, लेकिन हमें वी नहीं पता सर, अभी वी कैसे निकाला जाए। देखो
अब आप कहो कि सर अगर हम वी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, वी इज इक्वल टू हमें क्या पता है, आई इंटू आर, तो हमें पहले आई निकालना पड़ेगा जो कि हमें आई भी नहीं पता। हमें आर, देखो रेजिस्टेंस की देखो अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो रजिस्ट, देखो यहाँ पर आप जो वी निकाल रहे हो वो किसकी निकाल रहे हो, वो आप वायर की पर्टिकुलर उस वायर में कितने अमाउंट की जो वोल्टेज है वो फ्लो होगी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो हम इसको थोड़े से फिगर के थ्रू ऐसे समझते हैं। आपने कहा सर मेरे पास ये एक वायर है ए बी, ठीक है, अब इस वायर से एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, अब इस बैटरी से जस्ट क्या है एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 450 ओम, इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, समझ रहे हो, और क्या है और क्या है और क्या है, कुछ नहीं। अच्छा फिर क्या है कि एक ईएमएफ कनेक्टेड है, मतलब एक आपकी सेल कनेक्टेड है, ठीक है, इस तो हमेशा एसी तो हम अपने सेल को कनेक्ट करते थे, है ना, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका यहाँ से एक चौकी लगा हुआ है, और इस चौकी की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है कितनी कितनी है कितनी है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गया भाई, अरे ये तो बैटरी ऑफ आईफोन 600 सेंटीमीटर, ओके ये है आपका 600 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पर 6 है। तो आपको निकालना है, बच्चे देखो आपको निकालना है के, तो के लिए आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे वी अपॉन एल, तो क्या हम वी ये वाला वी रखते क्या, नहीं, ये वाला वी हमें नहीं रखना पड़ेगा, हमें वी देखो हमें वी किसका चाहिए, हमें वी चाहिए वायर का ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, कि इस ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी आपकी वो कितनी होगी, आपको ये तो निकाल लेना, ए बी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना क्योंकि आपको के निकालना है। अच्छा तो अब सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी तो हमें ये निकालना है, उसके लिए हमने कहा सर वी इज इक्वल टू, अब क्या होता है देखो वी इज इक्वल टू, अब क्या कहोगे वी इज इक्वल टू, अब कहोगे आई इंटू आर, और कौन सा आर, ये वाला आर नहीं, आर अक्रॉस ए बी, और आर आप यहाँ पे कौन सा लोगे, जो आपकी जो 20 ओम की जो दी गई ना, ये देखो ये चीज जो है ये 20 ओम है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम, तो आप ये वाला आर लोगे, समझ रहे हो मेरी बात, फील करो थोड़ा, ऐसा नहीं है ना कि आप ये वाला, अब ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लोगे ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस है, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 20 है, तो है ना। अच्छा तो अब सर आई कहाँ से लाया जाए, अच्छा क्या आपने आई का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना क्या, वी अपॉन आर प्लस आर, कौन सा वाला आर, ए बी वाला आर, समझ गए, तो वी की वैल्यू देखो कितनी है 6 वोल्ट, अपॉन आर की वैल्यू देखो कितनी है, ये वाला ओवरऑल आपका जो मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस कितना 450 प्लस आर ए बी, आर ए बी कितना दिया है 20, तो आपने यहाँ से आई निकाल दिया, आई आपका यहाँ से कितना हो गया 6/80, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.0 पॉइंट कितना आ जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, अच्छा, ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो 5 वोल्ट दिया गया, तो अभी 5 वोल्ट ले लो, ठीक है, क्या बोल रहा है 5 वोल्ट बोल रहा है ना, हाँ ठीक है सॉरी 5 वोल्ट बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोला है 5 वोल्ट बोला है ना, इसलिए हम 5 वोल्ट ले लेते हैं, तो 6 की जगह क्या कर लें 5 5, ये पुराना वाला फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा ये आपको इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर, कि आपने आई निकाल लिया, अब यहाँ से आप वी निकाल लो, सो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 इंटू आर ए बी की वैल्यू आप कितनी रखोगे 20, ये आपका कितना आ जाएगा 0.2 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाल लिया, सो फाइनली आप क्या निकाल सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज आप के निकाल सकते हो क्या, तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा वी अपॉन एल, वी की वैल्यू कितनी रखोगे 0.2 अपॉन एल की वैल्यू कितनी रखोगे 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि ओवरऑल जो लेंथ है वो वायर की कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.0002 क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। नाउ अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ, ये जो अननोन ईएमएफ है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एज वी नो बहुत आसान, ई इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू एल, अब के देखो कितना है 0.0002 इंटू एल की देखो वैल्यू कितनी है 1000, नहीं, 1000 नहीं, ये हमारा जो सेल है वो कितने डिस्टेंस पर बैलेंस्ड है 600, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, आप यहाँ पर रखोगे 600, इसको सॉल्व करोगे 6 12, तो 0.12 वोल्ट ये आपका क्लियर है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा फील करो क्वेश्चन को,
आप ऐसे, ऐसा नहीं है कि आप वी के जगह डायरेक्टली ये वाला वी रख दो, ये वी तो इस सेल की है, बट यहाँ पे यहाँ यहाँ से यहाँ के अलॉन्ग तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ और होगा ना, समझ लो मेरी बात, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, तो इसलिए हमने हमने इस वाले का हमने ए बी वाला हमने क्या लिया, हमने देखो हमें वायर की हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है ना, इस वाले वायर की हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो फिर हम ये वाला वोल्टेज कैसे ले सकते हैं, हम तो इसके अलॉन्ग वोल्टेज देखें ना, ये सारी की सारी पता है चीज़ें। अगर आपने एक भी, अगर आपने मेरे वीडियो को अगर नहीं छोड़ा है, अगर आपने सारे के सारे वीडियोज अगर आपने लगाए हैं, तो ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, कि आप सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब सारे देखो ये सब रिलेटेड है, आप जो वीडियो स्किप करके अगर देखोगे तो फिर यही होगा समझ में, फिर नहीं आएंगी चीज़ें, तो फिलहाल देखो अब यहीं पर रखते हैं, है ना, और जस्ट इसके बाद हम जो है वो मीटर ब्रिज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसी में हम लगे हाथ व्हीट स्टोन ब्रिज भी देख लेंगे, है ना, और इसके बाद एक और आपका बेसिक छोटा सा टॉपिक बचेगा एनर्जी वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो थोड़ी सी ये बड़ी टॉपिक है, मुझे लगा था कि शायद ये थोड़ा छोटा है, बट काफ़ी इसमें टाइम लग गया, तो इसके भी नोट्स अभी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, अभी इसके नोट्स भी प्रिपेयर नहीं है, बस ये मैंने केवल एक सिंपली कई सारे बुक को मिला करके पढ़ा और देखा कि क्या कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कैसे आपको समझा सकते हैं, तो भाई अभी इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, ओके, तो मिल जाएंगे, बट आप इसको कोशिश, देखो मैंने सारी की करी है कि ये जितने भी मैं आपके नोट्स में, देखो होता है क्या बच्चे कि नोट्स में जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, वो सारे की सारी चीज़ें ही आपको हम यहाँ पर बताते हैं, देन उसके बाद फिर नोट्स प्रिपेयर्ड होता है जल्दी जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है, तो कोशिश आप यही किया करो कि जो भी चीज़ें आपको बोर्ड में दिखाई दें, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। हाँ मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि नोट्स पहले ही बन जाते हैं, तो जब वीडियो जो हम अपलोड करते हैं तो वीडियो की अपलोड करने के साथ ही साथ हम नोट्स को भी अपलोड कर देते हैं, तो ये चीज़ हम आपको पहले ही आपको मिल जाती है, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, नोट्स बाद में प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ये बात आप थोड़ा सा समझो, ठीक है, और चीज़ों को देखो मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को मैंने आपके बोर्ड पर सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो आप कोशिश करो कि आप यहीं से चीज़ों को नोट डाउन करो, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और ये आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।